लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कैसे करते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं रेक्टेंगुलर एरे। एरे कमांड कैसे किया जाता है, चलिए हम देखते हैं। एरे कमांड सिलेक्ट करने के लिए आप मॉडिफाई पैनल में से यहाँ पे एरे दिया है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ER एंटर। ओके, एरे में तीन टाइप है। फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर एरे, सेकेंड है पाथ एरे और थर्ड है पोलर एरे। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शन देखते हैं। ER एंटर। एंटर देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट, एंटर। एंटर देने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगुलर, उस पर क्लिक करो या शॉर्टकट की भी लिख सकते हो आप R एंटर। जैसे आप रेक्टेंगुलर पे सिलेक्ट करते हो आपके पास कॉलम आ जाएगी और रो आ जाएगी। तो हमारे पास फोर कॉलम है, 1 2 3 4, 1 2 3 वो है रो है। ओके, जो वर्टिकल है वो हमारी कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी रो है। तो अब रो कितनी आपको चाहिए, कॉलम कितनी चाहिए, आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। सपोज मुझे कॉलम चाहिए 5, मैं दे दिया 5 एंटर। ओके, आपको कॉलम कितनी चाहिए, सपोज आपको मुझे सपोज रो मुझे चाहिए 2 एंटर। तो 5 कॉलम हो गई है और 2 रो हो गई है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। 3 मैंने चाहिए मुझे और कॉलम चाहिए मुझे 4। और एक एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस आप यहाँ से दे सकते हो बिटवीन में से, और टोटल डिस्टेंस देना है तो यहाँ से आपका टोटल डिस्टेंस काउंट होगा यहाँ तक। तो मैं बिटवीन डिस्टेंस देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 30 है, तो 30 ऐसे मेंटेन हो जाएगा। यहाँ से 30, यहाँ से 30, यहाँ से 30, तो टोटल डिस्टेंस आएगा 90। सपोज आपको टोटल डिस्टेंस पता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेकर लास्ट ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो टोटल में और एंटर दे दीजिए। ओके, ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो एक कॉलम से दूसरी कॉलम के बीच का डिस्टेंस। और सपोज आपको रो का डिस्टेंस पता है, बिटवीन डिस्टेंस पता है, तो बिटवीन डिस्टेंस दीजिए, या तो टोटल डिस्टेंस पता है तो आप टोटल डिस्टेंस देखते हो। सपोज 50 है तो 50 मैंने दे दिया एंटर, तो यहाँ से 25, यहाँ से 25 होगा और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 50 डिस्टेंस होगा। तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से दे सकते हो। और लेवल, लेवल क्या है वो मैं दिखाता हूँ बाद में आपको। सपोज मैं देता हूँ अभी यहाँ पे डायमेंशन 2 लेवल दे देता हूँ, एंटर देता हूँ, और दो लेवल के बीच का डिस्टेंस, तो दो लेवल लेवल के बीच का डिस्टेंस मैं देता हूँ 100 एंटर, तो टोटल डिस्टेंस भी 100 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है एसोसिएटिव, यह मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि लेवल क्या है। एसोसिएटिव अभी ये ऑन है, ऑन ऑफ कैसे करोगे आप, अब ये हाईलाइट है तो ये ऑन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके, तो जो हाईलाइट रहता है वो तब ऑन होता है, जब हाईलाइट नहीं है तब ये ऑफ है। एसोसिएटिव ऑन ऑफ यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप। तो अभी मैं इसको ऑन रख रहा हूँ। यहाँ पे दिया है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट क्या है कि ये आपको ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, ये आपका बेस पॉइंट है। अभी जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ उसका अभी सेंटर पॉइंट है, तो मुझे बेस पॉइंट चेंज करना है। मुझे यहाँ से डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे पता है यहाँ से डिस्टेंस पता है, तो मैंने बेस पॉइंट पे क्लिक कर दिया और मुझे बेस पॉइंट ये देना है, तो वहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करेगा यहाँ से यहाँ। ओके, ऐसे आप बेस पॉइंट भी चेंज कर सकते हो। और लास्ट है क्लोज एरे, मैंने क्लोज कर दिया तो मैं कमांड से बाहर निकल जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ER एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। एंटर देने के बाद रेक्टेंगुलर एरे, और आपको कितनी रो चाहिए कितनी कॉलम चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सपोज मुझे रो चाहिए, कॉलम मुझे चाहिए, तीन ही कॉलम चाहिए मुझे, तो मैंने तीन कॉलम ले ली, और रो मुझे तीन चाहिए, और लेवल मुझे आपने लास्ट में देखा था वही है। यहाँ पे मैं एसोसिएटिव ऑफ कर देता हूँ। ओके, कॉलम हमने देख लिया था, रो देख लिया था, लेवल क्या है वो अब मैं दिखाना बाकी है। एसोसिएटिव मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, इसमें ऑन था और इसमें ऑफ है। बेस पॉइंट क्या है वो भी आपको पता है, बेस पॉइंट चेंज करना था आप चेंज कर सकते हो, और मैंने क्लोज कर दिया। मेन डिफरेंस आपको दिखाना चाहता हूँ एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव ऑन होता है तब क्या होता है, एसोसिएटिव ऑफ है तब क्या होगा। तो इसमें एसोसिएटिव ऑन है और इसमें एसोसिएटिव ऑफ है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिंगल सिंगल सिलेक्ट होगा। ओके, तो एसोसिएटिव ऑफ का फायदा है कि आप सिंगल सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। सपोज ये ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको डिलीट कर दिया, जैसे आप चेंज भी कर सकते हो, सिंगल सिंगल डिलीट भी कर सकते हो, मगर इसको आप डिलीट करने जाओगे तो पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा क्योंकि एक साथ सिलेक्ट होता है। एसोसिएटिव ऑफ रखने का फ़ायदा ये है
कि आप एक एक करके डिलीट कर सकते हो, और ऑसेसिटी ऑन है तब आप डिलीट नहीं कर सकते एक साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि सपोज़ मुझे इसमें कुछ एडिट करना है तो मुझे सिंगल सिंगल एडिट करना पड़ेगा इसके अंदर, और सपोज़ मुझे इसके अंदर एडिट करना है तो मैं एक साथ सब में एडिट कर सकता हूँ। तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप दूसरी भी चीज़ कर सकते हो, सपोज़ आपको कॉलम चेंज करना है, मुझे अभी पता चला कि 4 कॉलम नहीं है, मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, रो कितनी चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। इसमें आप चेंज एसोसिटी ऑफ है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ये एक बार मैं ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूँ तो सारा एक बार चेंज हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया एडिट सोर्स, सिलेक्ट करो इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐसा बॉक्स आएगा एरे एडिटिंग स्टेट, उसमें ओके दीजिए। ओके देने के बाद आप कुछ भी जहाँ पे आपको चेंजेस करना है आप चेंज कर सकते हो वहाँ पे। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑब्जेक्ट में सर्कल ड्रॉ हो गया है। तो ऐसे आप चेंज एक ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट एरे में जाके सेव करना है इसको, और नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड कर दो। तो मुझे सेव करना है तो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो वो सेव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। मुझे ये मेरा एसोसिएटिव ऑन है, उसमें ये चेयर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चेयर ऐसी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया रिप्लेस आइटम। ओके, रिप्लेस आइटम पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो आइटम से मुझे रिप्लेस करना है वो आइटम मैं सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने ये चेयर सिलेक्ट कर दी, एंटर दिया। एंटर देने के बाद आपको बेस पॉइंट कौन सा चाहिए, तो मुझे बेस पॉइंट चाहिए, सपोज़ बेस पॉइंट मुझे ये चाहिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करो सोर्स ऑब्जेक्ट, क्लिक करो, तो सारे जो पार्ट है आपके ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और एंटर दीजिए। एंटर देने के बाद आपको दो रो के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखो, एक चेयर दूसरी चेयर पे टच कर रही है, तो आप एडिट कर सकते हो। ओके, इसके बाद क्लोज कर दो। तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, एक प्रोडक्ट में आप कुछ भी चेंज करना है तो सारे प्रोडक्ट में आप चेंज कर सकते हो। ये एसोसिएटिव ऑन का फ़ायदा है। और एसोसिएटिव ऑफ का फ़ायदा क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट भी करवा सकते हो। चलिए दूसरे एरे देखते हैं। दूसरे एरे में क्या था, ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एंटर। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है पाथ, पाथ पे सिलेक्ट कीजिए। पाथ मेरा ये है, मैंने सिलेक्ट कर दिया पाथ। यहाँ पे सेम दिया है बिटवीन डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस दिया है, तो आप यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ बिटवीन डिस्टेंस 10 दे देता हूँ, एंटर। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 10, वैसे वो पूरा ले लेगा। तो टोटल आइटम कितनी है अभी, 21 है, उसमें मैं एडिट नहीं कर सकता। क्यों एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे दिया है मेज़र, मेज़र मेथड है। टू टाइप की मेथड आती है, मेज़र मेथड एंड डिवाइड मेथड। तो मेज़र मेथड में आप आइटम आइटम ऑफ हो जाएगी, सिर्फ आप डिस्टेंस देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस दे सकते हो। और जब आप लेते हो डिवाइड, तो डिवाइड में क्या होगा, आप आइटम देख सकते हो, एक पास में आपको कितने आइटम आनी चाहिए। सपोज मेरी आइटम में 15 आइटम आनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 15, एंटर। तो पूरे पाथ में 15 आइटम आ जाएगी, आप इसमें डिस्टेंस नहीं दे सकते। ओके, और रो क्या है वो आपको पता है, लेवल क्या है वो आपको पता है, और यहाँ पे एसोसिएटिव पता है आपको, बेस पॉइंट पता है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अभी हमने देखा रेक्टेंगुलर एरे कैसे ड्रॉ करना है और कहाँ पे यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोलार एंड पाथ एरे और उसका यूज़ कैसे करना है।